सर, यूपी में लगातार योगी सरकार ने जो काम किए हैं उसका असर दिख रहा है। अब 6 लाख विद्यार्थी हरदोई और आजमगढ़ से बच्चे सबसे ज़्यादा इस दो जगह से एग्जाम देने नहीं पहुँचे, कैसे देख रहे हैं इसको? अब आजमगढ़ और हरदोई या आगरा मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं पहुँचे, तो एक बात तो ये सुनिश्चित हो रही कि अगर केवल 3 दिनों में लगभग 6 लाख बच्चों ने परीक्षाएं छोड़ी हैं, तो जो एक योगी सरकार का लक्ष्य था कि हम परीक्षाओं की शुचिता और पवित्रता को बनाए रखेंगे और नकल विहीन परीक्षा करेंगे, आखिर उस नकल से हम कौन से उत्तर प्रदेश के भविष्य को तैयार करते हैं? वो देश के किसी IIT में नहीं, देश के किसी कॉम्पिटिशन में नहीं, फिर जॉब के लिए घूमता है। तो एक कम से कम जो नकल विहीन परीक्षा का एक दृढ़ संकल्प था सरकार का, वो पूरा हो रहा है। अब स्वाभाविक है कि जिस तरह की व्यवस्था उन्होंने की है वो दिखाई भी पड़ रहा है, चाहे वो हरदोई हो, आजमगढ़ हो, आगरा हो या उत्तर प्रदेश के किन्हीं जिलों में हो। संख्या अधिक और कम हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा होगा कि जो नकल के बिना परीक्षा नहीं पास कर सकते थे वो 3 दिन के अंदर ऐसे 6 लोगों ने परीक्षा छोड़ दी, 6 लाख लोगों ने। उसी तरह